हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है यूनिवर्सल हार्मोनियस ऑर्डर इन सोसाइटी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसको जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिवर्सल हार्मोनियस ऑर्डर बेसिकली क्या है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। द सार्वभौम व्यवस्था यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज द स्टेट of realizing the freedom of individual in context of this universe. Basically, जो हम एक universal human order की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सार्वभौम व्यवस्था, वो universal level पे हम बात कर रहे हैं, universe के context में हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा state है जिसमें हम individual के freedom की बात कर रहे हैं। किस चीज में फ्रीडम की बात कर रहे हैं वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स मैनकाइंड एंड नेचर इज मस्ट बी एस्टैब्लिश द यूनिवर्सल ऑर्डर। देखिए, जो भी हम रिस्पेक्ट, अभी हमने ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करी, पीछे के लेक्चर्स में हमने ह्यूमन और नेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह का इंटरेक्शन है, उसकी बात करी। तो दोनों तरह के रिलेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और जब हम ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तो वैसे ही ह्यूमन और नेचर का जो रिलेशनशिप है उसमें भी एक रिस्पेक्ट हम लोग देखते हैं और रिस्पेक्ट उसको भी हम देते हैं। तो अगर हम दोनों रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट देंगे तो वहां पे एक यूनिवर्सल ऑर्डर जो है वो क्या होगा, वो एस्टैब्लिश होगा। हैविंग अंडरस्टूड द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, वी आर एबल टू बी इन हारमोनी not only with the human beings but also with the rest of the nature. So last two lecture में हमने comprehensive human goal को समझा था, comprehensive human goal को achieve करने का जो program था उसको हमने discuss किया था। तो अगर हम comprehensive human goal को अच्छे से understood करते हैं, समझ जाते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे human being जो होंगे वो तो harmony में रहेंगे ही, लेकिन जब हम नेचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ इंटरेक्ट करने जाएंगे, तो वहां पर भी हमें हार्मोनी देखने को मिलेगी। ठीक है, वी आर, या हम ये कह सकते हैं कि नेचर के साथ भी हम एक हार्मोनी मेंटेन कर पाएंगे। वी आर एबल टू सी दैट वी आर रिलेटेड टू एवरी यूनिट इन द नेचर एंड एंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन दैट रिलेशनशिप। ठीक है, जब हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को समझ जाएंगे तो हम इस एग्जिस्टेंस के अंदर कोई भी यूनिट है, एवरी यूनिट है, उसके साथ क्या फील करेंगे, उसके साथ रिलेटेड फील करेंगे। ठीक है, और उसके साथ जो भी रिलेशनशिप जो हमने समझी है उसका म्यूचुअल फुलफिलमेंट करेंगे, उसका निर्वाह करेंगे, है ना। तो हर एक यूनिट को हम समझेंगे और हर एक यूनिट के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है उसके निर्वाह के लिए मैं क्या करूंगा, प्रयासरत रहूंगा, काम करूंगा। ठीक है, अगर मुझे कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल आता है तो हार्मोनी जो है ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में तो मेंटेन होगी ही, ह्यूमन रेस्ट ऑफ द नेचर रिलेशनशिप जो है उसमें भी मेंटेन हो। तो वर्किंग ऑन द फाइव डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडेवर इन द लाइट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग वी आर एबल टू वर्क फॉर एन ऑर्डरली लिविंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी हूज फंडामेंटल यूनिट इज द फैमिली एंड द फाइनल डेस्टिनेशन इज द वर्ल्ड फैमिली। ठीक है, तो जब हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव करने के लिए फाइव डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडेवर पे काम करते हैं, जो हमारा बेसिक प्रोग्राम है जिससे हम गोल को अचीव कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हम फैमिली के अंदर तो वर्क कर ही रहे हैं, उसके साथ हम ये भी समझ पा रहे हैं कि हमें इस फैमिली के अंदर जो हमने रिलेशनशिप को जाना है उसको सोसाइटी से लेके आगे वर्ल्ड फैमिली तक लेके जाना है। और साथ में ये भी समझ पाएंगे हम कि जो हमारी फैमिली है वो एक फंडामेंटल यूनिट है और फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, हमारा वर्ल्ड फैमिली है। तो जो रिलेशनशिप हम फैमिली के अंदर समझ पा रहे हैं उनको आगे चल के हमें कहाँ तक ले जाना है, वर्ल्ड फैमिली तक लेके जाना है। जो हारमोनी हम फैमिली में समझ पा रहे हैं उस हारमोनी को हमें वर्ल्ड फैमिली तक आगे लेके जाना है। तो दस अ नंबर ऑफ फैमिली यूनिट इन द फॉर्म ऑफ विलेज, तो अगर कई एक जगह पे कई सारी फैमिली रह रही हैं तो वो एक विलेज बना रही हैं, और नंबर ऑफ विलेज जब इंटीग्रेट करते हैं आपस में मिलते हैं तो वो एक ह्यूमन सोसाइटी बना रहे हैं जो आगे चल के एक वर्ल्ड फैमिली में कन्वर्ट हो गई है ना।
in this sequence finally to a universal human order on this planet. Living in this order, we are able to plan for the need of physical facilities. तो इस ऑर्डर में रहते हुए कि फैमिली है, फैमिली से विलेज बन रहे हैं, विलेज से कंट्री बन रही है, कंट्री से वर्ल्ड बन रहा है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस ऑर्डर में रहते हुए हम अपनी फिजिकल फैसिलिटी की नीड्स को प्लान कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास अर्थ में कितने नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एंश्योरिंग द नीड ऑफ द लेवल ऑफ प्लैनेट. तो जितने नेचुरल रिसोर्सेज है उसके हिसाब से हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया और नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को भी पहचान लिया, तो उसके बेस पे हम देख सकते हैं कि कितने नेचुरल रिसोर्सेज में हमारी कितनी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है. वी आर एबल टू वर्क फॉर इनकल्केशन ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ह्यूमन वैल्यूज थ्रू एजुकेशन प्लान सिस्टम टू एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग make policies for the well-being of all. आगे चल के हम किस तरह का काम कर सकते हैं universal human order में, हम जो भी universally acceptable human values हैं उनको हम education के through human being में inculcate कर सकते हैं. ठीक है, हम ऐसे systems बना सकते हैं government के अंदर या सब जगह पे जहां पर human being के साथ जो justice है वो ensure होगा, और साथ में ऐसी policy बना सकते हैं जिसमें हर एक ह्यूमन बीइंग का, हर एक पर्सन का क्या होगा, वेलबींग होगा, है ना. तो इस तरह की पॉलिसी हम यूनिवर्सल ऑर्डर में बेसिकली बना सकते हैं. तो आगे उसी को बताया गया है कि अनडिवाइडेड सोसाइटी बनेगी, जो एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बनेगा जिसमें हर एक चीज हारमोनी में होगी, तो वहां पे जो सोसाइटी होगी वो होगी अनडिवाइडेड सोसाइटी, जिसको हमने क्या बोला है, अखंड समाज बोला है, है ना. तो अनडिवाइडेड सोसाइटी का मतलब है फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बीइंग. जब मैं हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेटेड फील करता हूँ और हर एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेटेड फील करता है, तो एक ऐसी सोसाइटी बनती है जिसको हम बोलते हैं अनडिवाइडेड सोसाइटी या अखंड समाज. ठीक है, और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या हुआ, सार्वभौम व्यवस्था हम किसको बोलेंगे, feeling of being related to every unit including human being and other entities of nature. इस nature के अंदर जितनी भी entities हैं, जितने भी objects हैं, जितनी भी units हैं, even human beings हैं, plants हैं, animals हैं, सबके साथ मैं related feel कर रहा हूँ और हर एक human being सबके साथ related feel कर रहा है, तो ऐसा जो order बनेगा, ऐसी जो व्यवस्था बनेगी, उसको बोला गया है सार्वभौम व्यवस्था. ठीक है, तो आगे चल के अगर ह्यूमन वैल्यूज को जब हम पढ़ते हैं, चारों लेवल की हार्मोनी को समझते हैं, हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आती है और हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा होता है ना, तो आगे चल के हम अनडिवाइडेड सोसाइटी बना सकते हैं और उस अनडिवाइडेड सोसाइटी में एक व्यवस्था हम बना सकते हैं जिसको नाम दिया गया है सार्वभौम व्यवस्था. ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था आज का लेक्चर हमारा बहुत छोटा सा रहेगा, तो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.